अपनी फर्स्ट फोटो को रोड पे लेकर जा रहे हैं। बाबा कोई शर्म तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं नहीं, हमको एक भी शर्म नहीं लग रहा। आइए बूटी बॉल, बूटी बॉल। जो भी पैसेंजर फर्स्ट हमें मिलेगा उसे हम लोग किराया नहीं लेंगे। तो भैया आप लकी हो। ये है हमारी फोटो की पहली कमाई। हेलो गाइज, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। पिछले वाला ब्लॉग में जो गाइज आप सभी ने प्यार और सपोर्ट दिया, इसे देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप लोग अपना सजेशन, या आपको लगता है कि ये बंदा ये काम कर सकता है तो आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। तो आप सभी ने गाइज बहुत सारा ओपिनियन, बहुत सारा सजेशन कमेंट के थ्रू दिया, ये देखकर गाइज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा मोटिवेशन का जो राज है गाइज वो है आप सभी का पॉजिटिव कमेंट। भाई उसे देखता हूं ना तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। हालांकि इसमें से भी एक आध दो कमेंट जो है ना वो नेगेटिव आते हैं, और अक्सर आप लोग नोटिस करना कि आपका माइंड नेगेटिव की तरफ ज्यादा फोकस करता है। 100% अच्छे कमेंट है और 1% नेगेटिव कमेंट है, तो हमारा माइंड नेगेटिव की तरफ ज्यादा फोकस करेगा। और ये मेरे साथ सिर्फ नहीं, ये सभी के साथ होता है। पता नहीं ये प्रॉब्लम क्या है, बट अब से मैं इस चीज को इग्नोर करना सीख चुका हूं, क्योंकि अभी ना गाइस मुझे सख्त जरूरत है मोटिवेशन की। और मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के प्यार और सपोर्ट और आपके पॉजिटिव कमेंट के थ्रू। और कल हमारे गाड़ी का नंबर भी मिल गया था, और मैं सोचा था कि आज पापा निकलेंगे तो पापा के साथ मैं भी जाऊंगा, पापा ड्राइवर बनेंगे और मैं खलासी बनूंगा। बट पापा का आज थोड़ा तबीयत ख़राब था इसलिए आज सुबह निकले ही नहीं। और पापा अभी बाल में पूरा मेहंदी वेहंदी लगा के बाल को कलर किया है ब्लैक, क्योंकि पापा का बाल अभी पक रहा है। और अम्मी फिर से आज काम में लग गई है, मना करता हूँ देखो। तो कल पापा हम भी चलेंगे आपके साथ क्लासी बन के, ठीक ना? देखते हैं कि मतलब कैसा लगता है, क्या फील होता है एक ऑटो ड्राइवर का, ये लेना जरूरी है। तो कल मैं अपने पापा के साथ चलूंगा क्लासी बनकर, क्योंकि देखो ना गाइस कोई काम को छोटा या किसी काम से शर्माना नहीं चाहिए, ये मैंने अब तक के लाइफ में सीखा है। क्योंकि ऑटो ड्राइवर भी एक इंसान है, वो भी अपना काम ही कर रहा है, अपना घर चलाने के लिए कर रहा है, तो किसी काम में शर्माना नहीं चाहिए। तो कल मैं चलूंगा भाई। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे और आज मैं और पापा जाने वाले ऑटो को फर्स्ट टाइम रोड पे लेकर जाने के लिए। पापा फिलहाल रेडी हो चुके हैं, मैं ही लेट हूँ, तो चलो फटाफट से मैं भी रेडी होता हूँ एंड देन फिर मैं और पापा, पापा ड्राइवर बनेंगे और मैं क्लासी बनूंगा, और फिर चलते हैं देखते हैं क्या फीलिंग मिलता है आज का। तो पापा फिलहाल ऑटो को बाहर निकाल रहे अभी ना, ये जो बन गया ना ये तो भाई मस्त हो गया, ऑटो भी हट जाता है, स्कूटी भी हट जाता है। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। चलो गाइस ऑटो फाइनली निकल चुका है, अब चलो फटाफट से मैं जूता वगैरह पहन कर आता हूँ एंड फिर मैं भी पापा के साथ चलता हूँ। चलो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, देखते हैं गाइस आज का ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है, ऑटो ड्राइवर और मैं तो खलासी बनने वाला हूँ। चलिए चलते, फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, टॉपी वॉपी पहन लिया, अब चलते हैं। चलिए पापा आगे बैठे या पीछे? आगे ही बैठते हैं। ठीक है अम्मी आते हैं कुछ पैसा कमा के। बाप ड्राइवर बेटा खलासी, पहले का कहावत था पूरा हो गया। बाप हो रहा कैसे कमा के लाते हैं, चलो बेटा कैसे कमाता है और कैसे चलता है गाड़ी, पसिंजर से ज्यादा तो गाड़ी है। अपनी फर्स्ट ऑटो को रोड पे लेकर जा रहे हैं। बाबा कोई शर्म तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं नहीं, हमको एक भी शर्म नहीं लग रहा है बेटा। अगर शर्म करते हैं तो कैसे बाल बच्चा को पोसेंगे और कैसे चलाएंगे? नहीं शर्माना नहीं है, नहीं, मैं भी नहीं शर्मा रहा हूँ भाई, मुझे तो मजा आ रहा है आज, अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है गाइस। रिचार्ज खत्म हो गया है, आज पता चल जाएगा कि रिचार्ज कैसे होता है। नहीं तो पापा हम लोग दोनों मिल के घर चलाएंगे अपना, हम लोग अपना नहीं, मतलब अपना का बात नहीं कर रहे, और लोगों को कह रहे हैं बेटा लोग, और लोगों का तो मतलब देखना नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हम लोग को अपना देखना है कि हम लोग अपने घर को किस तरीके से चला सकते हैं, कैसे दोनों को ही मैनेज करके अपना घर हम लोग खुद से चला सकते हैं। रोड पे हम लोग निकल चुके हैं गाइस, बट यहाँ पे पूरा रोड बिल्कुल भी सन्नाटा है भाई, एक भी पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहा। कैसे होगा पापा आज पूरा रोड सन्नाटा है आज? किस्मत में है कि नहीं आज हम लोग पैसा कमाने का? आज संडे है या इतना सुबह, इसलिए कोई लोग नहीं आया। जबरदस्ती बैठा क्या पापा? पकड़ पकड़ के चाल नहीं दिख रहा आज पापा, क्या होगा? आइए आइए आइए, जेल में रात रोज, जेल में रात रोज। अभी तो गाइस एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहा है,
लेकिन हमने सोचा है कि जो भी पैसेंजर फर्स्ट हमें मिलेगा उससे हम लोग किराया नहीं लेंगे, है ना बाबा? क्योंकि एक भी तो पैसेंजर दिख नहीं रहा, इसलिए जो पहला मिलेगा भाई वो फ्री में आज हमारे साथ सवारी करेगा। अभी हम लोग गाइस जा रहे हैं, यानी कि पहुंच चुके हैं सीएनजी पंप पे। इसे सीएनजी पंप बोलते हैं क्योंकि ये गाड़ी पे पेट्रोल नहीं सीएनजी भराता है। तो यहाँ से पहले हम लोग गैस लेते हैं और फिर आज का ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पेट्रोल लेते गाइस मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन सीएनजी लेते मैंने आज तक नहीं देखा है, आज वो भी देख लूंगा। आ जाओ, कैसे सीएनजी भाई लिया जाता है वो देखते हैं। ये देखो, अच्छा गैस की तरह जाता है ना, जो है ना पूरा गैस है, ये सिलेंडर है और यहाँ से गैस जा रहा है। भगई बाबा भगई, वो तो आगे आने वाला है तो हम लोग का पैसेंजर ले लेगा। आइए आइए रातू रोड, गाड़ी है, गाड़ी है। तो उसी को लेके जाइए। चलो फर्स्ट पैसेंजर तो मिला है गाइस। मैंने सोचा है कि जो हमारा पहला पैसेंजर होगा उनसे हम लोग किराया नहीं लेंगे। तो भैया आप लकी हो, आपका किराया नहीं लगेगा। ये हम लोग का नया ऑटो है और इसमें आप पहला पैसेंजर बन के बैठे हो, आपको किराया नहीं लगेगा। चलो तो गाइस धीरे धीरे करके हमारा पूरा गाड़ी जो है फुल हो चुका है भाई। हम उधर उधर बैठ जाते हैं। चलो इधर बैठ जाएगा, हाँ इधर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आ जाएंगे, पैसा ही पैसा। थोड़ा खुशी लग रहा है। सेकेंड स्टॉपेज पे पहुँच चुके हैं और वो भैया का पैसा मत लीजिएगा, हाँ उनको लौटा दीजिए। ठीक है भैया, कैसा लगा हम लोगों के गाड़ी में सफर? अच्छा लगा ना, चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है। नहीं भैया हम लोग का खुद गाड़ी है, हम लोग खुद पैसेंजर ले रहे हैं, अंकल ही चिल्ला रहे हैं हमको कहाँ के। इसे हम लोग रात रोड बोलते हैं। अभी यहाँ पे भी पूरा माहौल जो है सन्नाटा है, एक भी पैसेंजर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रुक के पैसेंजर लेने का कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग चलते हुए पैसेंजर लेंगे। हम लोग अपना ही अलग रोल रहना चाहिए भाई। सेकेंड स्टॉपेज से गाइज हमें एक भी पैसेंजर नहीं मिला, हम लोग खाली गाड़ी लेकर जा रहे हैं, बट हाँ चलते चलते हम लोग को पैसेंजर मिल जाएगा। हम लोग वो वाला रोल नहीं करेंगे कि रोक के पैसेंजर बैठा रहे हैं, ऐसा रोल नहीं करेंगे, हम लोग चलते चलते पैसेंजर लेंगे। आइए बूटी बोर्ड, बूटी बोर्ड। पीछे बैठेगा और पीछे ना नया नया गाड़ी तो गाइज सीट भी नहीं है, बट फिर भी बैठना पड़ रहा है इसी तरीके से। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज। भाई कमर दर्द हो गया बस एक ही घंटे में। कैसे चलाइएगा बाबा? भाई आज पैसेंजर भी नहीं मिल रहा है ना, आज संडे है, लगता है सारे लोग सोए हुए हैं। एक तो स्कूल भी बंद है, दूसरा कि भाई ठंड भी बहुत ज्यादा है और संडे है, सबका जॉब वॉब छुट्टी होगा तो कौन निकलेगा भाई इतने ठंड में बाहर। आइए आइए बुट्टी मोड़, बुट्टी मोड़, अरे बुट्टी मोड़। आइए जेल मोड़, रातू रोड। आज सबका ऑटो जो है ना वो खाली खाली जा रहा है। इस खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है। बहुत मजा आया गाइस आज ऑटो चलाने। पापा तो ड्राइवर बन के बैठे हुए, भाई मैं खलासी बन के यहाँ पे खड़ा हूँ। वो आज हाल हो गया, वो हाल आज अपने आप देख रहे हैं। और आज बहुत सारे हम लोग पैसेंजर भी मिले और ढेर सारा पैसा भी हमने कमाया। हम लोग सुबह से भूखे पेट हूँ तो चाय वाय पी लेते हैं पापा से पैसा लेकर। आ जाओ चाय देना भाई, एक लॉग लॉग हाँ लॉग लॉग हाँ भाई हाँ भाई, डर कह रहे हैं नहीं लेना है। चलो ठीक है नहीं डालेंगे, ओके ओके नो प्रॉब्लम नहीं डालेंगे। चाय वाले भैया जी शर्मा रहे थे जब मैंने उसका ब्लॉग बना रहा था। भैया मैं भी तो ऑटो चला रहा हूँ तो मुझे कहाँ शर्म है भाई, किसी काम में शर्माना नहीं चाहिए और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और पापा चाय पीने वाले नहीं है क्योंकि मूड होकर नहीं आए, तो मुझे ही चाय पीना पड़ रहा है सिंगल। चलो फाइनली घर पहुँच चुके हम लोग, अब जो भी पैसा हुआ है ना अम्मी के हाथ में देना है। नहीं ला दिए, सारा तो आज ये है हमारी इस ऑटो की पहली कमाई और ये डायरेक्ट जाते हैं हम अपने अम्मी को देकर आते हैं। अम्मी हाँ, ये है हमारी ऑटो की पहली कमाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हम लोग तो फुल मजे करते हुए ऑटो का सफर कर रहे थे। तेरा पहला कमाई।
मेरा कमाई ऑटो का, मेरा कमाई पापा और मेरा और ऑटो का नया पहला कमाई है। भाई तो वो इतना मेहनत किया कैसा लगा जाके? बहुत मजा आया। पहला पैसेंजर से हम लोग पैसे नहीं लिए थे, मतलब उसका किराया जो था वो नहीं लिए थे। फिलहाल हम लोग घर आ चुके हैं और अब आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ऑटो चलाकर मजा आ गया, एक ही दिन में गया था आज एक्सपीरियंस लेने के लिए, बाकी कल से देखते हैं क्या होता है। पापा शायद चलाएंगे या कोई ड्राइवर खोजेंगे, ये मुझे नहीं पता, अभी तक पापा कंफर्म डिसीजन नहीं बताए, तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो फिलहाल गाइस आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और किसी भी काम से आप लोग मत शर्माना, जो आपको अच्छा लगे वो काम आपको करना है। तो तब तक के लिए चलता हूं गाइस, मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। चाय पीने के बाद ब्रश कर रहा हूँ। ऑटो चला के आने के बाद गाइस आज अम्मी ने मेरा मनपसंद नाश्ता बनाया है, आलू भर की रोटी, मतलब आलू के पराठे और चाय। मजा आ जाएगा आज खाने में।